भारत में क्रिकेट को खेल नहीं बल्कि प्रशंसक भावनाओं से जोड़ते हैं। हर किसी के अपने पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं जिन्हें लेकर वह किसी से भी भिड़ने को तैयार होते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जहां टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को मैच में मिली हार के बाद दूसरी टीम के खिलाड़ी यानी टीम इंडिया के युवा प्लेयर करुण नायर से जाकर भिड़ गए, जिसकी क्रिकेट के गलियारों में जोरों से चर्चा हो रही है। दरअसल हुआ यू की एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मैच के बाद यानी प्रेजेंटेशन सेरेमनी के खत्म होने के बाद कर्नाटक टीम के कप्तान करुण नायर पर दिनेश कार्तिक बुरी तरह से भड़क गए। पहले तो दिनेश ने ड्रेसिंग रूम के बाहर करुण नायर को रोक लिया और बहस की। यहां पर अंपायर्स और मैच रेफरी ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया, लेकिन जब प्लेयर ऑफ द मैच की घोषणा की गई उसके बाद एक बार फिर से दिनेश गुस्से में आ गए और करुण नायर पर बरस पड़े। आपको बता दें कि तमिलनाडु क्रिकेट टीम के बीच खेला गया लीग मैच तमिलनाडु की टीम 26 रनों से हार गई। असल में पिछले कुछ वक्त से इन दिनों टीम का जब भी आमना सामना हुआ है तो कर्नाटक ने ही बाजी मारी है। इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लीग मैच में हार गई। इसके बाद फाइनल मैच में भी दोनों के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया और इस मैच में भी तमिलनाडु की टीम को एक रन से हार का सामना करना पड़ा था। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।